हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंड प्रिडिक्शन में। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश, थर्ड और आखिरी ओडीआई का मुकाबला खेला जाएगा। आप लोगों को मालूम है बांग्लादेश की टीम ने 2-0 से ऑलरेडी यहाँ पे सीरीज को वॉन कर लिया है। तीसरा मुकाबला सिर्फ यहाँ पे अपनी इज्जत बचाने के लिए उतरेगी वेस्ट इंडीज की टीम। तो बहुत सारे चेंजेस हो सकता है क्योंकि आप लोगों को मालूम है सीरीज में अब ज़्यादा जान तो बचा है नहीं। सिर्फ एक मैच अगर जीत के अगर वेस्ट इंडीज की टीम चाहती है यहाँ पे क्लीन स्वीप होने से बचे तो वो जीतना चाहेगी, ठीक है। तो चेंजेस होने के बहुत सारे आसार हैं, तो सब कुछ आप लोगों को विस्तार से वीडियो में मालूम चलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखो मेरे टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन हो जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। बाय द वे गाइस, किसी रीजन से लिंक वर्क ना करे तो यहाँ पे cricket2580 जो कि ये लिखा हुआ है ये लिख कर सर्च कर लेना, आप लोगों को हमारे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। यहाँ जुड़ने के बेनिफिट ये हैं क्योंकि टॉस के बाद कुछ भी फर्दर अपडेट या प्लेइंग 11 और टीम वगैरह फाइनल यहीं पर मैं आप लोगों को दे पाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी अगर आप लोगों को कम सब्सक्राइबर दिख रहे हैं तो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ, जब ठंडी में बिग बैस लीग चल रही थी तो स्ट्राइक आ गई थी चैनल पे, इस वजह से अपना चैनल बिल्कुल खत्म हो गया था, जहाँ ऑलमोस्ट 80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। बट कोई नहीं गाइस, आप लोग प्लीज सपोर्ट करना, हम लोग फिर से यहाँ पे सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे, ठीक है। बाकी हाँ, जिस भाई को अगर न्यूजीलैंड आयरलैंड का मुकाबला खेलना है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर, जाकर देख लेना। और इंडिया का जो आखिरी ओडीआई मुकाबला, सॉरी सेकेंड ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इंग्लैंड से, इसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो जिसको देखना है जाकर वीडियो आप लोग देख लेना। तो चलो हम लोग फाइनल यहां से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, देखो थर्ड ओडीआई 16 जुलाई 2022 को अपने भारत टाइम अनुसार शाम के 7 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। वेन्यू की बात करते हैं, वही स्टेडियम में खेला जाएगा, प्रोविडेंस स्टेडियम, जहाँ के पिछले दो मुकाबले खेले गए, सेम वही ग्राउंड है। तो ग्राउंड से क्या कुछ हम लोगों को समझ में आ रहा है, दो मुकाबले देख कर क्या एब्जॉर्ब किया मैंने, मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताऊँ, जो कि पिच है ना, पिच ये स्पिनर फ्रेंडली विकेट होने वाली, स्पिनर जो है स्पिन बॉलिंग जो करते हैं वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, पेसर को कोई ज़्यादा खास मदद है नहीं पिच से, और जो स्पिनर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पे एडवांटेज है। और हाँ देखिए, इससे स्पेशली मैं अगर पिच से एक और बात यहाँ पे निकल के आ रही थी कि जो टीम यहाँ पे चेज करती है उसको स्ट्रगल होता है खेलने में, और यही पिच भी बता रही है। लेकिन यहाँ पर इतना कम स्कोर वेस्ट इंडीज़ की टीम बना रही है कि मानेंगे, अब आप ही बताइएगा, इस 300 गेंद में 115-20 रन तो इजिली कोई भी टीम चेज कर लेगी यार, तो क्या फिर मतलब समझ में आएगा। अगर हाँ 200, 250 या 300 अगर वेस्ट इंडीज़ कोई भी टीम अगर पहले बैटिंग करते हुए बनाएगी तो चेजिंग करने में यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर 100 रन 150 बनाएगी तब तो चेज हो जाएगा इजिली। हाँ, तो फिर भी देखो एक विकेट तो गिरा ही था, अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। हेड टू हेड की बात करते हैं, टोटल 43 मुकाबले दोनों टीमों ने आज तक आपस में खेले हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 21, वहीं बांग्लादेश की टीम ने भी 20 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबला जिसका कोई रिजल्ट नहीं था। दोनों टीम बराबर की है, वेस्ट इंडीज़ की अब ये पुरानी वाली टीम है नहीं जहाँ की क्रिस गेल, आंद्रे रसल ये सब खेलते थे, तो ये समझ जो अब हल्की वेस्ट इंडीज़ की टीम है, बांग्लादेश के ही लेवल की टीम आप लोग समझ सकते हो इसको, ठीक है। बात करते हैं यहाँ से, देखो इस ग्राउंड में टोटल 23 ODI के मुकाबले खेले गए हैं, हुआ ये है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 13, वहीं बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने भी 10 मुकाबले वोन किए हैं। तो इसी वजह से कहता हूँ मैं कि चेज करना यहाँ पे इन कंपेयर ऑफ फर्स्ट बैटिंग करना ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन वही बात है कि अगर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम अगर कुछ अच्छा स्कोर बनाएगी तभी चेज करने में दिक्कत होगा, नहीं तो अगर 100-150 बनाएगी तो वो तो फिर ईजिली चेज हो जाएगा। ODI में 50 ओवर के गेम में कोई बहुत ज़्यादा तो स्कोर है नहीं, लोएस्ट स्कोर है। हाँ, एवरेज स्कोर की बात करते हैं 233 यहाँ पर है हाईएस्ट स्कोर, जो कि पाकिस्तान की टीम ने 308 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाया था। वही लोवेस्ट स्कोर की बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम का है, 98 रन बनाकर यहाँ पे ऑल आउट हो गई थी। स्कोरिंग पैटर्न पे गाइज हम लोग नज़र डालते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे देखते हैं। देखिए 200 से कम 5 बार स्कोर बनाए, 200 से 250 के बीच में भी 5 बार स्कोर बनाए, 250 से 300 के बीच में 9 बार स्कोर बनाए, और 300 से ज़्यादा 2 बार स्कोर बनाए। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यहाँ पे होता है 250 से लेकर 300 के बीच में, लेकिन मेरे ख्याल से ना आप लोग ज़्यादा मत मानना यार, 200 से मेरे मुझे लगता है 240 ही यहाँ बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना तो बन ही नहीं पा रहा है। हाँ, अभी तक होप कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो गए होंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, लिंक के थ्रू आ जाना, नहीं तो cricket2580 लिख कर आप लोग सर्च कर लेना, इजिली वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना, टॉस के बाद कुछ भी फर्दर अपडेट वगैरह वहीं पर मैं बता पाता हूँ। कुछ यहाँ पर ग्राउंड में मुकाबले खेले गए हैं, आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ हुआ है। देखो पिछला मुकाबले 13 जुलाई 2022 को सेम वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश के बीच में खेला गया था, वेस्ट इंडीज़ की टीम महज 108 रन बनाकर पहले बैटिंग करते हुए ऑल आउट हो गई थी। बांग्लादेश की टीम को भी गाइस देखो एक विकेट खोना पड़ा था 108 ही बनाने के लिए, और 9 विकेट से ये मुकाबला जीत गई थी।
हाँ तो फिर देखो एक और मुकाबला हुआ था 10 जुलाई 2022 को, सेम वेस्ट इंडीज बांग्लादेश के बीच में। वेस्ट इंडीज की टीम 149 रन 9 विकेट के नुकसान पे, बांग्लादेश की टीम 151 रन 4 विकेट के नुकसान पे बनाई थी। हुआ यह था कि बांग्लादेश की टीम 6 विकेट से ये मुकाबला जीत गई थी 25 जुलाई 2018 में। अब हम लोग चलते हैं 4 साल पहले, 271 पे 10 वेस्ट इंडीज की टीम, बांग्लादेश की टीम 268 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 3 रनों से ये मुकाबला वेस्ट इंडीज की टीम जीत गई थी। एक और मुकाबला इन्हीं दोनों टीमों के बीच में हुआ था, बांग्लादेश वेस्ट इंडीज, ये 22 जुलाई 2018 को हुआ था। बांग्लादेश की टीम ने 279 रन 4 विकेट के नुकसान पे बनाया था, वहीं वेस्ट इंडीज की टीम 231 रन ही बना पाई थी, 48 रन से ये मुकाबला बांग्लादेश की टीम जीत गई थी। एक और मुकाबला हम लोग यहाँ से देखते हैं, आज से 5 साल पहले खेला गया था, 233 रन वेस्ट इंडीज की टीम बनाई थी 9 विकेट खोकर, वहीं पाकिस्तान की टीम 236 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाई थी, और ये मुकाबला 6 विकेट अभी हाथ में रहती, पाकिस्तान की टीम ने ये मुकाबला वॉन कर लिया था। तो गाइस आप लोग अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ पिछले 5 मुकाबले, तो कहीं भी आप लोग देखोगे 300 का आंकड़ा ही नहीं बना है, 300 तो छोड़िए, यहाँ पे 250 से 280 भी बहुत मुश्किल से बन रहा है। तो आप लोग देख सकते हो बनाने के लिए टीम को कितना विकेट यहाँ पे दे रही है। यहाँ पे देखो 149 बना 9 विकेट गिरा, फिर 271 बना तो 10 विकेट, मानी टोटल 16 विकेट गिरा है गाइस यहाँ पर। तो हर मुकाबले में ना बॉलर अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो बॉलर्स फ्रेंडली विकेट मान सकते हो, स्पेशली जो स्पिनर होते हैं ना वो बहुत ही अच्छा करके दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे से वेस्ट इंडीज की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। होप गाइज आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार आप लोग फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है। देखो शाई होप के साथ यहाँ पे काइल मेयर्स ओपन करते हुए दिख जाएंगे। शाई होप का गाइस वनडे में 52 का लगभग एवरेज है, लेकिन बिल्कुल ही फ्लॉप गए हैं पिछले दोनों मुकाबले में, 0 और 18 का स्कोर इन्होंने किया है। उसके बाद काइल मेयर्स का भी वही हाल है, 10 और 17 ये करके आ रहे हैं। शमरा ब्रुक्स 5 रन मात्र करके आ रहे हैं, ब्रैंडन किंग 11 रन, टॉप 4 बिल्कुल ही फ्लॉप जा रहा है, इस वजह से ये हाल हो रहा है वेस्ट इंडीज का टीम का। देखो निकोलस पूरन की बात करते हैं, ये अब विकेट कीपर वाला काम नहीं कर रहे हैं, ये अब ऑलराउंडर वाला काम कर रहे हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहे हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए सबसे प्रमुख दावेदार हैं। बैटिंग तो आ ही जा रही है, क्योंकि इस तरह क्लैश कर रहा है यहाँ पे इनका टॉप ऑर्डर की बैटिंग आना इनका निश्चिंत है। 0 रन प्लस 0 विकेट इन्होंने निकाला था। रोमन पावल की बात करते हैं, 13 रन का स्कोर पिछले मुकाबले में करके आ रहे हैं। रोमारियो शेफर्ड ने भी मात्र 4 ही रन कर पाए थे। कीमो पॉल जो किया थे यहाँ पर पिछले मुकाबले में जेर्डन सिल्स की जगह पे 25 रनों का स्कोर इन्होंने किया था। अकील हुसैन को 1 भी विकेट नहीं मिला था। अलजारी जोसेफ का भी विकेट का खाता नहीं खुला था। गोल्डेंस मोटी को 1 विकेट मिला था, ठीक है। इनके तरफ से जो प्लेयर बेंच पे गए इनका रिकॉर्ड देख सकते हो। अब बात करते हैं इनके तरफ से मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन से बॉलर ओपनिंग बॉलिंग करते हैं और कौन से बॉलर डेथ में बॉलिंग करते हैं। तो देखो अलजारी जोसेफ के साथ अकील हुसैन ओपनिंग में बॉलिंग करते हैं, वहीं डेथ में अलजारी जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड। डेथ में मैच ही नहीं जा रहा है कि एब्जॉर्व किया जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेज अलजारी जोसेफ के साथ रोमारियो शेफर्ड डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ से आप इनके बॉलिंग की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि कौन सा बॉलर कितने ओवर की बॉलिंग करता है, ठीक है। स्क्रीन शॉट खींच लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द बॉलिंग यहाँ पे गुदेंस मोटी कर रहे हैं, बाकी अकील हुसैन कर रहे हैं, और हाँ निकोलस पूरन भी यार बॉलिंग तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए क्या हो सकती है। तमीम इकबाल के साथ यहाँ पे देखो पिछले मुकाबले में नजमुल हुसैन सेंटो ओपन किए थे, लेकिन लिटन दास मोस्ट ऑफ द चांसेस ओपनिंग करते हैं। तमीम इकबाल 50 रन पिछले मुकाबले में बना कर आ रहे हैं। वन डाउन यहाँ पे देखो खेलने आए थे लिटन दास, मैंने ओपनिंग में शो किया लेकिन वन डाउन आए थे खेलने, और मोस्ट ऑफ द चांसेस ये ओपनिंग ही आते हैं। पिछले मुकाबले में भले वन डाउन आए थे, नहीं तो नजमुल हुसैन सेंटो ही का मोस्ट चांसेस है कि ये वन डाउन आएंगे खेलने। तो इनका बात करें तो 20 रनों का स्कोर इन्होंने किया था। मोहम्मदुल्ला रियाद की बात करते हैं, बैटिंग नहीं आए थे 41 रन, उससे पहले फर्स्ट ओडीआई में किया था। आफिफ हुसैन की भी बैटिंग नहीं आई थी, मोसद्देक हुसैन खेल रहे थे 1 विकेट इन्होंने निकाला था। तस्कीन अहमद की प्लेस पे आए थे। नूरुल हसन की भी बैटिंग नहीं आई थी। मेहदी हसन मिराज की बात करते हैं, 4 विकेट गाइज निकाल के आ रहे हैं, पिछले 2 मुकाबले में 7 विकेट निकाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, यहाँ पे से मैंने इनका रोल भी लिखा है। सरफुल इस्लाम की बात करते हैं, 1 विकेट इनको मिला था। मुस्तफिजुर रहमान को 1 भी विकेट नहीं मिला था। नासू महमद ने भी 3 विकेट निकाला था। तो देख सकते हो नासू महमद भी स्पिनर है, और स्पिनर को कितना पिच यहाँ पे फेवर कर रहा है। तो आप लोग स्पेशली जब ग्रांड लीग का कॉम्बिनेशन ट्राई करना तो स्पिनर पर जरूर नजर रखना। इनके तरफ से बात करते हैं कौन से बॉलर ओपनिंग में बॉलिंग करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है नासूम अहमद के साथ मुस्तफिजुर रहमान ओपनिंग में बॉलिंग करेंगे। डेथ में मुस्तफिजुर रहमान, सरफुल इस्लाम, अगर तस्कीन अहमद खेलते हैं तो तस्कीन अहमद भी डेथ में बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं। बाकी यहाँ से आप लोग इनकी बॉलिंग की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, कौन सा बॉलर कितने ओवर की बॉलिंग करेगा। देखो जितने स्पिनर हैं सारे बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। मोसद्देक हुसैन जो कि मतलब पार्ट टाइम स्पिनर है, लेकिन 10 ओवर इनसे फेंकवाया गया। नासू महमद ने भी 10 ओवर फेंका, और यहाँ से मेहदी हसन का देख सकते हो 8 ओवर फेंका। बाकी और भी बॉलर कुछ शेयर तो नहीं हुआ था, मतलब
मैच ही नहीं जा रहा है 50 ओवर तक, तो ज़्यादा कुछ बॉलिंग करने की मौका मिल नहीं रहा है। बाकी यहाँ से ओवरऑल जैसे जैसे कि वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर का मैंने रिकॉर्ड लिखा है कि आज तक ओडीआई में कितने इन्होंने ओवरऑल मैच खेले हैं, ठीक है, यहाँ पे तो पूरे प्लेयर को मैंने मेंशन किया है, अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो। गुडेंस मोटी पे गाइस नज़र रख सकते हो, पिछले दोनों मुकाबले से मैंने बोला है 18 मैच 27 विकेट और स्पिन बॉलिंग ये भी करते हैं, स्पेशली ग्रैंड लीग में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। मुझे लग रहा है आज का मुकाबला ना ये वेस्ट इंडीज़ की टीम जीत सकती है, क्योंकि क्लीन स्वीप नहीं होना चाहिए, 3-0 से बिल्कुल नहीं हारना चाहिए, सीरीज तो खो ही चुकी है, अब 3-0 से यहाँ पर क्लीन स्वीप नहीं होने वाली है, तो मुझे लग रहा है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। बाकी यहाँ से देखो बांग्लादेश के भी ओवरऑल प्लेयर का पूरा स्टेट है, आप लोग चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, बिकॉज अगर मैं बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बोली में सुनना है तो फर्स्ट ओडीआई का मुकाबला देख लेना, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब होप आप लोगों को यहाँ से तो पूरे प्लेयर्स के रिकॉर्ड समझ में आए होंगे। अब चलते हैं एप्लीकेशन में और देखते हैं हमारी इस मैच के लिए क्या टीम बन के रेडी हो रही है। दोस्तों यहाँ से बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देखकर आए होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को टीम समझ में आएगा, नहीं तो टीम का मेरा लॉजिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो होप आप लोग वीडियो देखकर आए होंगे तो आप लोगों का वेलकम है। देखो विकेट कीपर सेक्शन से दो ऑप्शन है आप लोगों को खेलते हुए दिख जाएंगे, तीन ऑप्शन मान सकते हो खेलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन स्मॉल लीग के ओपिनियन से लिटन दास और साई होप सबसे सेफ में है। फिलहाल मैं साई होप के साथ जा रहा हूँ, बिल्कुल भी देखो पिछले दो मैच से स्कोर इनके बैट से नहीं आया है, लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंट स्कोरर है। अगर मैं इनका आप लोगों को एवरेज दिखाऊं तो यहाँ पे देखो साई होप का आप लोग एवरेज देख सकते हो गाइस, 51 का एवरेज है, यहाँ पे आप लोग जरा से इनका एवरेज देखो, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बैक किया है साई होप को, बाकी आप लोग चाहो तो लिटन दास को भी ट्राई कर सकते हो, बाकी नूरुल हसन ये जो है ग्रैंडलिंग में ही आप इनको ट्राई करना। बात करते हैं यहाँ से देखो बैटिंग सेक्शन से तमीम इकबाल को रख लेना, निकोलस पुरन को भी बिल्कुल रख लेना, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, और हाँ यहाँ से मैंने नजमुल हसैन सेंटो को रखा है। आप लोग ये करो देखो नजमुल हसैन सेंटो की जगह पे मुसद्दिक हुसैन को ले लो, बिकॉज ये 10 ओवर की बॉलिंग करने वाले हैं, ठीक है। नजमुल हुसैन सेंटो हो सकता है ओपनिंग या तो वन डाउन खेले, लेकिन इनके पास 10 ओवर का बॉलिंग का एडवांटेज है, 10 नहीं तो कम से कम 6 ओवर बॉलिंग करेंगे ही, और 2 विकेट फिर से निकाल लेते हैं और स्पिन बॉलिंग करते हैं, और स्पिनर को पिच ज़्यादा फेवर कर रहा है तो अपना काम हो जाएगा, और नजमुल हुसैन सेंटो को कम से कम 50 रन बनाना पड़ेगा। तो जिस तरह का अभी इनका ओडीआई में परफॉर्मेंस है, मुझे लग नहीं रहा है कि ये 50 रन बना पाएंगे, तो इस तरह से मैंने अभी फिलहाल के लिए तो मुसद्दिक हुसैन को ही ट्राई किया। बाकी देखो शामरा ब्रुक्स का ऑप्शन है, ब्रैंडन किंग का ऑप्शन है, ये लोग बिल्कुल फॉर्म में है नहीं, इस वजह से मैं इनको सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। आप लोग हाँ ग्रैंड लीग में इनको ले सकते हो। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से मेहदी हसन मिराज बिल्कुल रख लेना, और देखो काइल मेयर्स के साथ मैं जा रहा हूँ, ओपनिंग करने आएंगे, और देखो बॉलिंग तो कर ही नहीं रहे, लेकिन हो सकता है इस मैच में 2-3 ओवर की बॉलिंग कर दें, अगर कर देते तो अच्छी बात है, लेकिन हार्ड हिटिंग करते हैं बैटिंग से, तो इस वजह से मैंने इनको ले लिया, बिकॉज ओपनिंग में आएंगे तो अपॉर्चुनिटी है इनके पास। ऑप्शन की बात करें तो कीमो पाउल का ऑप्शन है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। रोमारियो शेफर्ड देखिए बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बैटिंग कर सकते हैं अच्छी खासी। मोहम्मदुल्ला का देखो एवरेज मैं बताऊँ ना तो 50+ का एवरेज है अगेंस्ट कौन सी टीम है, वेस्ट इंडीज, फर्स्ट बैटिंग करते या सेकेंड बैटिंग करते हुए 50 से ज़्यादा का इनका एवरेज है, तो आप लोग चाहो तो इनको भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं 2 ही ऑलराउंडर के साथ जाऊंगा। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, तो बॉलिंग सेक्शन से नासूम अहमद जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं और पिच स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, सरफुल इस्लाम अगर बांग्लादेश की टीम फर्स्ट यहाँ पे बॉलिंग करेगी तो डेथ में आएंगे, तो मैं इनको अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। बाकी जी मोटी के साथ मैं जा रहा हूँ, सिर्फ इनका रिकॉर्ड देखकर मैं इनके साथ जा रहा हूँ गाइस, 18 मैच में 27 विकेट है, मजाक थोड़ी होता है यार, तो इस वजह से इनका लिस्ट का रिकॉर्ड के साथ मैं जा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि ये स्पिन बॉलिंग करते हैं, टीम स्पिनर को यहाँ पे फेवर कर रही है, या तो आप चाहो तो जी मोटी की जगह पे अकील हुसैन को भी ले जा सकते हैं, क्योंकि स्पिनर ये भी है। फिलहाल के लिए जी मोटी के साथ मैं जा रहा हूँ। मुस्तफिजुर रहमान अपनी टीम के प्रमुख बॉलर हैं, इनको विकेट नहीं मिल रहे तो आप इनसे इसके प्लेयर का अंदाजा नहीं लगा सकते हो, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी या अच्छी अच्छी टीम के सामने विकेट निकालना जानता है, ठीक है। अलजारी जोसफ के साथ यहाँ से फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। बाकी अगर ये लोग खेलते हैं देखो तस्कीन अहमद खेलते हैं, और यहाँ पर अगर बांग्लादेश की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, बिकॉज डेथ में इस कंडीशन में बॉलिंग करने आने वाले हैं। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के, तो देखो कैप्टन के तौर पर मेहदी हसन मिराज के साथ मैं जाऊँगा, वाइस कैप्टन यहाँ पर साई होप के साथ मैं जाना चाहूँगा, फिर से साई होप को बैक कर रहा हूँ। तो मेरी कुछ इस प्रकार की टीम बन के रेडी हो रही, जहाँ कैप्टन मेहंदी हसन मिराज, वाइस कैप्टन शाही होप है। अगर आप लोग चाहो ना तो कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी निकोलस पुरन को भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि 4 से 5 ओवर बॉलिंग करेंगे और बैटिंग करने भी 5 डाउन आ सकते हैं, 4 या 5 डाउन आ सकते हैं, तो अच्छा खासा इनके पास भी चांस रहेगा। या तो फिर अगर यहाँ से बांग्लादेश की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो मैं मुस्तफिजुर रहमान को भी वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए कुछ ये टीम बन के रेडी हो रही है, फाइनल टीम है नहीं, फाइनल टीम आप लोगों को टेलीग्राम पर मालूम चल पाएगा।
टेलीग्राम से जुड़ जाना आप लोग, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, तभी से मैं बोल रहा हूँ। तो होप अभी तक आप लोग आ भी गए होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, बाकी लिंक वर्क ना करे तो Cricket2580 आप लोग लिख कर सर्च कर लेना, हम लोग अगर मेरा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, यहाँ से ज्वाइन हो जाना। तो होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत सारे यूजर ना, सिर्फ 90% से ज़्यादा यूजर गाइस मैं बता रहा हूँ, वीडियो देखकर चल जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो होप आपको वीडियो समझ में आई हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।